बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गंदम के बीज के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी के हवाले से। सब्सिडी की रकम कितनी है, किस तरीके से हम लोग हासिल कर सकते हैं और एक जिम्मेदार कितने थैलों पर सब्सिडी जो है वो हासिल कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते चले सब्सिडी की रकम के हवाले से, तो 1200 रुपया सब्सिडी की रकम मुकर्रर की गई है और एक जिम्मेदार जो है वो कम अज कम जो है 5 थैलों की सब्सिडी हासिल कर सकता है। अगर वो इससे ज्यादा थैलों की सब्सिडी हासिल करना चाहता है तो अपने किसी भाई बेटे के नंबर से या आईडी कार्ड से उन 5 थैलों की भी सब्सिडी जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। सब्सिडी की जो रकम है पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दी जाएगी। मतलब ये कि हुकूमत पंजाब की जानब से सब्सिडी जो है 3 लाख एकड़ रकबे के बीज पर सब्सिडी फराहम की जा रही है, यानी कि 50 किलो वाले 3 लाख बैगों के ऊपर जो है वो सब्सिडी हुकूमत पंजाब की जानब से इस साल फराहम की जा रही है। अब ये सब्सिडी आपने हासिल इस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, उसके बाद आपने कूपन का नंबर लिखना है और फिर 8070 के ऊपर आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आपका नंबर आएगा उस हिसाब से आपकी जांच पड़ताल होने के बाद आपको सब्सिडी की जो रकम है वो फ्राहम हो जाएगी। अब सब्सिडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर काश्तकार जो है वही सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, जो नॉन रजिस्टर काश्तकार हैं वो सब्सिडी की रकम हासिल नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि आप लोग सबसे पहले महकमा ज़राअत में रजिस्टर हों, उसके बाद आप सब्सिडी की रकम हासिल करने के लिए अहल हो जाएंगे। इसके बाद हम वैरायटियों की बात करते चलें तो सबसे पहले जो चंद ऐसी वैरायटी हैं जिसमें बकर स्टार, गोल्डन और फखरे बकर, अकबर 19 और दीगर चंद वैरायटी हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इन वैरायटियों के ऊपर आपको 1200 रुपया सब्सिडी हुकूमत पंजाब की जानब से फराहम की जा रही है। सब्सिडी आपने लेने के लिए आप नवंबर के महीने के अंदर जब बीज की आप खरीदारी करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप इन सब्सिडी के कूपन को सेंड कर दें। इसके बाद कुछ ऐसे चंद लोग आ जाते हैं जो कूपन खुद खरीद के सीरियस वाइज उन कूपन को सेंड करते हैं और गवर्नमेंट से पैसा जो है वो निकालते हैं। तो उस तरीके के अंदर अगर आप लोग चले जाएंगे, उन बंदों के अंदर आप चले जाएंगे तो आप सही टाइम के ऊपर सब्सिडी की जो रकम है वो आप लोग हासिल नहीं कर सकते। कोशिश करें कि जैसे ही आप लोग बीज की खरीदारी करते हैं उसके फौरन बाद जो है आप लोग सब्सिडी के लिए आप कूपन सेंड कर दें ताकि आपको जल्द अज जल्द सब्सिडी की रकम जो है वो मिल जाए।